रियल हॉरर स्टोरी। ये बात 1997 की है। लंदन में एक लड़का जेम्स, जिसकी उम्र 20 साल थी, और उसका एक फ्रेंड था पैट्रिक, और उसकी कोई फैमिली नहीं थी और वो अकेला था, और वो दोनों काफी क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। लेकिन 17 जनवरी को एक कार एक्सीडेंट के चलते पैट्रिक की मौत हो जाती है, और उस घटना के बाद जेम्स कॉलेज जाता और नॉर्मल इसी तरह शाम को वापस आ जाता, और ना किसी से बातचीत करना और ना कुछ और। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि 13 फरवरी को जेम्स रोज की तरह शाम को घर वापस आता है, और उसकी ग्रैंड मदर, जिसे घर में पागल समझा जाता है क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर को कुछ अलग आवाजें सुनाई देती थी, और जेम्स की ग्रैंड मदर जेम्स से पूछती है कि आज तेरा फ्रेंड तुझे घर छोड़ने नहीं आया, तो वो ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि कौन सा फ्रेंड। तो इस बात पर जेम्स की ग्रैंड मदर कहती है कि वही फ्रेंड जो तुझे हर दिन घर के गेट तक का छोड़ने आता है लेकिन कभी अंदर नहीं आता। ये बात सुनकर जेम्स काफी डर जाता है और एक स्केच आर्टिस्ट को घर बुलाता है, और जेम्स उसकी ग्रैंड मदर से उसके फ्रेंड का फेस बताने के लिए स्केच आर्टिस्ट को हायर करता है, और इसी के चलते स्केच आर्टिस्ट जेम्स की ग्रैंड मदर द्वारा एक स्केच बनाता है, और वो स्केच पैट्रिक का होता है, जबकि वो कभी जेम्स के घर आया ही नहीं था और ना कभी उसकी ग्रैंड मदर ने उसको कभी देखा। और उसके अगले ही दिन 14 फरवरी को जेम्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, ठीक उसी जगह जिस जगह पैट्रिक का एक्सीडेंट हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।